हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बहाल करो हमसा सब्जेक्ट सबसे टीचर उसको, बहाल करो, बहाल करो हमसा सब्जेक्ट सबसे टीचर उसको, बहाल करो, बहाल करो हमारे साथ, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नमेंट ने 2018 में अपॉइंट किया है एक एग्जाम के बाद। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो सर? हम सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं, पूरे JNK से हमारी जो तादाद है 550 है। हमें गवर्नमेंट ने 2018 में रिक्रूट किया है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, जिस स्कीम के सारे फंड जो है सेंटर से आते हैं। जैसे SSS स्कीम थी, वैसे ही गवर्नमेंट ने हाई स्कूल्स के लिए RMSS स्कीम को लाया, और उसके तहत जो है 110 स्कूल्स को अपग्रेड करने के बाद हमें उसमें हर स्कूल के लिए 5 टीचर्स को रिक्रूट किया। बाजाबता हमने एक एग्जाम पास किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हमारा जो है एक रिक्रूटमेंट बन गया, रिक्रूटमेंट ऑर्डर आ गया हमारे हक में जो है। उसके बाद हमने 28 फरवरी को हमने अपने स्कूल्स को ज्वाइन किया। गवर्नमेंट ने हमारा जो ऑर्डर है उसमें ऐसे टर्म्स रखे थे कि आपका जो ऑर्डर है ये ईयरली बेसिस के ऊपर होगा। उसके बाद ये हुआ, एक ईयर खत्म होने के बाद हमारा जो कंटिन्यूशन ऑर्डर था ईयर के बजाय उन्होंने 3 महीने का दिया, फिर उसके बाद जो है 1 महीने का दिया, और टिल नाउ उस ऑर्डर पे उसके बाद कोई ऑर्डर हमारे हक में नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि हमारे हक में कंटिन्यूशन ऑर्डर दिया जाए। हम गवर्नमेंट के दरवाजे पर जब बार बार गए, हम जब थक गए, थकने के बाद हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया है कि जैसे इस स्कीम के अंडर बाकी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे हमारी इस कंपोनेंट को भी चलाया जाए। चूंकि इस स्कीम में कोई फंड की दिक्कत नहीं है, फंड सेंटर से आते हैं, फंड की कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम जब तक है तब तक हमें चलाया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कैबिनेट डिसीजन आया है सेंटर से कि स्कीम को जो है 2026 तक कंटिन्यू किया जाए, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है हमारे इस कंपोनेंट को क्यों गवर्नमेंट रोक रही है, हमारे हक में कंटिन्यूशन ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है। हम गवर्नमेंट से, LG साहब से, कमिश्नर साहब से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे फैमिलीज के बारे में सोचा जाए, उन स्कूल्स के बारे में सोचा जाए जो फार फ्लंग एरियाज में थे, जहां पर हम जो है डेरा करके हम लोग वहां पर रूम रेंट पे लेते थे, हम वहां पर बैठते थे, क्योंकि वहां गाड़ी की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, उन स्कूल्स के साथ इंसाफ किया जाए। हमने 2018 कर रहे हैं, हमारी डिमांड है कि हमारे हक में कंटिन्यूशन ऑर्डर दिया जाए। हम गवर्नमेंट से कोई रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कोई ऐसी जॉब पॉलिसी नहीं मांग रहे जिसके बाद गवर्नमेंट को कोई बर्डन होगा। हम शॉर्ट में गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे हक में कोर्ट ऑर्डर जो आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी सर्विसेज को वापस से बहाल किया जाए। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.